गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमछो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन के लिए अलीबाग गया था, तो कल तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाया क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था। अब आप में से कई बच्चों ने कमेंट में लिखा कि सर आप कहाँ गए थे इसी जगह पर जहाँ पे वाईफाई इंटरनेट अलीबाग में काम नहीं कर रहा था। अलीबाग इज ए स्टेशन बेटा, उसके अंदर कई रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पर रिजॉर्ट बने हैं, तो वहाँ पे पता नहीं उनका शायद एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैं जियो यूज नहीं करता हूँ, मैं एयरटेल यूज करता हूँ, ठीक है। तो जियो का मेरा दूसरा नंबर है, एक और है ना, वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा था और होटल का वाईफाई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी मुझे लगता है, इसलिए वाईफाई भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा था ऑलमोस्ट ना, तो कनेक्टिविटी एकदम जीरो हो गई। कभी कभी ऐसी डिस्कनेक्टेड जगह जो होती है ना, वो भी बड़ी जरूरी होती है लाइफ में, ताकि आप एक आध दिन सुकून से रह सके बगैर फोन कॉल के। आप खैर, ट्रेवल, हर ट्रेवल बहुत कुछ सिखाता है कि आप जो है आजकल क्या है, हमारे बच्चों को ये शौक लगा है कि थोड़ा रिमोट एरिया में जाके वहाँ की लोकल लाइफ को देखने का, क्योंकि बहुत देख लिया है बड़े होटलों में महानगर की लाइफ, तो छोटे शहरों में जो छोटे कस्बे हैं ना, तो बच्चों को बहुत जरूरी है दिखाना, ताकि वो वैल्यूज को समझ सकें, वो समझ सके कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। उनको हमने खेत दिखाया हमने खेत में कैसे खेती करते हैं लोग बाग, कैसे जो है किसान रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब अनाज हमारे पास आता है। क्योंकि बच्चों को यदि हम वैल्यूज नहीं सिखाएंगे ना महानगरों में, स्पेशली ऐसे शहरों में, तो वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को कि कैसे इसकी वैल्यू क्या है, कैसे आता है। ठीक है, केवल पैसा दे देने भर से कोई चीज नहीं आती, उसको बनाने में बहुत क्रिएशन में बहुत वक्त लगता है, बहुत लोगों की एफर्ट लगती है। चलिए आज मैं छोटा ही सेशन लूंगा, क्योंकि आज मेरी मदर का और सबका फैमिली में आज हमने ब्लड टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है, सबकी खून की जांच होगी आज, है ना। तो वो कभी कभी ऐसा हम 6 महीने में एक बार करते हैं, मम्मी रहती तो मम्मी क्या है उनको कराना, तो बाकी लोगों को भी कराना पड़ता है ताकि सबका हो रहा है टाइप से ऐसा लगे। खैर, मैं आपको अच्छा छोटी सी, मेरे पास एक बुक है दी अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस, ठीक है, जूलिया सेटन की, इन्होंने जो है बड़ी अच्छी बात लिखी, इसमें एक छोटी सी कविता लिखी इन्होंने, जिस तरह आपका विश्वास युवा होता है, जिस तरह आपका विश्वास युवा होता है उसी तरह आप भी युवा होते हैं, जिस तरह आपके संदेह पुराने होते हैं उसी तरह आप भी पुराने होते हैं, जिस तरह आपका आत्मविश्वास युवा होता है उसी तरह आप भी युवा होते हैं, जिस तरह आपके डर पुराने होते हैं उसी तरह आप भी पुराने होते हैं, जिस तरह आपकी आशा युवा होती है उसी तरह आप भी युवा होते हैं, जिस तरह आपकी निराशा पुरानी होती है उसी तरह आप भी पुराने होते हैं। साल गुजरने के साथ साथ त्वचा में झुर्रियां पड़ सकती हैं, साल गुजरने के साथ साथ स्किन में त्वचा में झुर्रियां पड़ सकती हैं और उत्साह छूट जाता है, आत्मा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये कहते हैं कि हमारी उम्र क्या है, हम युवा हैं या ओल्ड हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम सोचते क्या हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, हमारी डर क्या है, कि अपने डर से बाहर निकलिए। यदि आपको बाहर जाना है, ग्रो करना है, तो आपको डर को त्यागना पड़ेगा, डर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आज मैं आपका शायद से एक एपिसोड और भी रिकॉर्ड करूंगा दिन में, और यदि रिकॉर्ड हो गया तो मैं रिलीज करूंगा। तो मेरे को ब्रदर आए हुए हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और को ब्रदर मेरे साथ में आए हुए हैं, दोनों के दोनों जो है वो पुलिस में हैं, दोनों एडिशनल एसपी हैं, अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं वो, है ना, आसपास के जिले में। तो मैं उनसे आज चाह रहा हूं कि उनसे मैं सेशन में रिकॉर्ड करूँ, बच्चे परमिट करें तो, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते, तो खैर हम चाह रहे कि एक सेशन हम रिकॉर्ड करें जिसमें कि हम बताएं आपको कि सिविल सर्विसेज में क्या एडवांटेज है, उन्होंने क्या फील किया यहाँ आकर। हम उनके उनसे उनकी जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो दोनों अपने अपने फील्ड में जो है वो अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं, ऑफिसर्स हैं वो, और जो है वो जिले को संभाल रहे हैं पूरे को, तो उनके क्या अनुभव है, किस प्रकार वो समाज में परिवर्तन देख रहे थे, इन इशू पर हम बात करेंगे। तो हो सकता है कि आज मैं एक और एपिसोड रिकॉर्ड करूं और फिर उसको रिलीज करूं मैं, ठीक है। आज छोटा ही एपिसोड रहेगा ये, है ना, मैंने बताया आपको कारण कि घर में ब्लड टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है और वो टेक्नीशियन में भी आते ही होंगे ऑलमोस्ट ना। चलिए बेटा ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय ना। कल नहीं मिल पाया उसके लिए सॉरी, पर मैं कोशिश पूरी करता हूं कि रेगुलर आपसे मिलता रहूं, ठीक है। तो आत्मा पर झुर्रियां पड़ने के पहले सफलता प्राप्त कर लो भाई, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, डर जो होते हैं ना वो हमारे अंदर इतने गहरे बस जाते हैं कि वो विश्वास बन जाते हैं वो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।